हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरजीत की रसोई। आज मैं बेडमी पूड़ी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। यह बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनती है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसे आलू की सब्जी के साथ, छोले के साथ, दही या पिकल आदि के साथ भी खाया जा सकता है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है। इसके लिए मैंने ली है उड़द की धुली हुई दाल। आप इसकी जगह मूंग की धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, उससे भी इसको बना सकते हैं। हाफ कप दाल को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। भीगने से ये क्वांटिटी में डबल हो गई है, एक कप हो गई है। आप इसे 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं। साथ में लिया है एक हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का पीस लिया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 चुटकी हींग ली है और हाफ टी स्पून सौंफ लिया है। सौंफ को मैंने दरदरा पीस कर लिया है। हाफ टी स्पून गर्म मसाला लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें और 1/4 टी स्पून मैंने हल्दी ली है। सबसे पहले तो हम दाल को पीसेंगे और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च और अदरक। अदरक हम थोड़ा सा काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि आसानी से पीस जाएगी। इसे हमने हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। दाल, हरी मिर्च और अदरक को मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। अब हम पूड़ी के लिए आटा गूंद लेंगे। 1 बड़े बाउल में मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1 कप दाल है इसलिए उससे डबल यानी 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम मसाले मिला लेंगे। गर्म मसाला, हल्दी, रेड चिली पाउडर, हींग, सौंफ और नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पिसी हुई दाल भी डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। जैसा कि हम पूड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइट सा आटा गूंदते हैं, वैसा ही आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। अब आटा गूंद गया है तो इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब 15 मिनट हो गए हैं तो आटे को हम निकाल कर एक प्लेट पर रख लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। अभी आटा तैयार हो गया है पूड़ी बनाने के लिए, तो इसे हम एक पेड़ा बना लेंगे और साथ में ले लेंगे एक चकला और बेलन और 1 कटोरी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। अब ऑयल में हम पेड़े को हल्का सा डिप करेंगे और पूड़ी को बेल लेंगे। सूखा आटा लगाकर हम पूड़ी को नहीं बेलेंगे। अगर सूखा आटा लगाकर पूड़ी बेलते हैं तो जिस ऑयल में हम पूड़ी को फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत गंदा हो जाता है। अब पूड़ी को आप चाहे तो थोड़ी छोटी या बड़ी किसी भी साइज में बेल सकते हैं। ये मैंने पूड़ी बेल ली है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल में हम पूड़ी को डाल देंगे और छलनी से ऊपर से हल्का हल्का से इस तरह से दबाएंगे। इस तरह करने से पूड़ी एकदम फूल जाएगी। ये देखे पूड़ी फूल गई और कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है पूड़ी। पूड़ी को हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियों को भी बना लेंगे। ये हमारी बेडमी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप आलू की सब्जी के साथ खाएं। आलू की सब्जी की वीडियो मैं जल्दी ही चैनल पर अपलोड करूँगी। इसे बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसे घर पर ट्राई करें और अपने कमेंट्स लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।